राज्य स्तरीय इंस्पायर मानक अवार्ड प्रदर्शनी का 2 दिवसीय आयोजन दुर्ग के खालसा स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा 241 किस्म के अलग अलग मॉडल प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए गए। दुर्ग के खालसा स्कूल में शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय इंस्पायर मानक अवार्ड प्रदर्शनी का 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, साथ ही 241 किस्म के अलग अलग मॉडल बनाकर स्कूलों के नन्हे वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा को निखारा। साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अवार्ड पाने वाले नन्हे वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपने मॉडल्स को रखने का अवसर दिया जाएगा। इसकी तैयारियों में नन्हे वैज्ञानिक उत्सुकता से जुट गए हैं। इस संबंध में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मानक का ये राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रादर्श प्रतियोगिता है, क्योंकि राज्य स्तर का कार्यक्रम है, होस्ट करने के लिए हमको मिला हुआ है। 241 बच्चे 29 जिलों से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने दिवसीय आयोजन? 2 दिवसीय आयोजन था, कल हुआ। कल हमने स्टार गेजिंग भी उनको करवाया, मैंने सैटर्न वैटर्न दिखाया है उनको टेलीस्कोप से, और आज फाइनल है। तो इसमें आगे बच्चे कहीं और जाएंगे क्या? मतलब जो नेशनल में सेलेक्ट होंगे, 10% बच्चे नेशनल में सेलेक्ट होंगे। जो नेशनल लेवल का आयोजन है वो दिल्ली में हुआ, उसका भी डेट नहीं आया। ठीक, मैं क्लास 11th एच की हूँ एंड फ्रॉम KPS नेहरू नगर भिलाई। मेरा प्रोजेक्ट एक नॉर्मल एस्केलेटर में मॉडिफिकेशन किया है, बिकॉज मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि ओल्ड एज के जो लोग होते हैं और यंगस्टर्स में कई लोग को फोबिया होते हैं एस्केलेटर यूज़ करने का, एंड छोटे बच्चों को भी नहीं होता तो काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए इसके कारण। तो मैंने नॉर्मल एस्केलेटर्स में 2 मॉडिफाइड स्टेयर लगाए, जो जैसे ही एस्केलेटर के बॉटम या अपर बेस पे आता है उसको सेंसर डिटेक्ट करके एस्केलेटर को 10 सेकंड के लिए रोक देते हैं, जिससे आप आराम से स्टेपिंग कर सकते हैं एंड वो एस्केलेटर मूव करके जब टॉप बेस पे जाता है तो वो अगेन रुकेगा एंड आप स्टेप आउट कर सकते हैं। और हम जो स्पेशलाइज स्टेयर्स हैं उसको इतना ब्रॉड रखेंगे कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उनका जो व्हील चेयर होते हैं या हैंडल्स होते हैं वो सब प्रॉपरली उसमें फिट हो जाए, सो दैट सब लोग पूरी सोसाइटी ईजिली इस चीज़ को यूज़ कर सकें। किस तरह का इसमें सिस्टम दिया हुआ है? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।